साल था 18 अप्रैल 1955 का। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन यूएसए के प्रिंसटन हॉस्पिटल में अपनी कुछ आखिरी सांसें गिन रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि जब वे मरेंगे तब कोई भी उनका शरीर पर रिसर्च नहीं करेगा। लेकिन उनके मरने के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वी ने उनके दिमाग को चोरी कर लिया था। उसके बाद डॉक्टर थॉमस हार्वी पकड़े गए और उन्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करने का परमिशन किसी को नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में आइंस्टाइन के बेटे ने उनके ऊपर रिसर्च करने का परमिशन दे दिया था और पाया कि आइंस्टाइन का दिमाग का वजन 1230 ग्राम है, जो कि एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले बहुत कम है। और बाद में डॉक्टर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए और पाया कि उनके दिमाग में सेल्स बहुत ज्यादा था और उनके दिमाग में एक पार्ट विंकल पेरेटल एपर्कुलम गायब था। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को अपने इमेजिनरी पावर से कर लेते थे और उनके दिमाग को आज भी अमेरिका के मटर म्यूजियम में रखा गया है।